चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम क्या करते हैं? ये सवाल तो अच्छी है, क्योंकि आम लोगों को लगता है सीए सिर्फ बैलेंस शीट बनाते होंगे, टैक्स रिटर्न फाइल करता होगा या ज्यादा से ज्यादा ऑडिट करता होगा, पर ऐसा नहीं है। सीए इससे भी ज्यादा और भी बहुत कुछ काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, एक सीए आखिर काम क्या करता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, एक सीए क्या क्या काम करता है उसका थोड़ा हम आपको ओवरव्यू देते हैं और उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे, वो भी आसान भाषा में, और हम आपको बोर तो नहीं होने देंगे। फर्स्ट है अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिट। आप सोच रहे होंगे ये तो हमें भी पता है, क्या सारा आप भी बका रहे हो। रुको, सीए और भी काम करते हैं और सबसे मजे की बात, वो बस सीए ही कर सकता है, उनके लिए वो काम रिजर्व रहता है। जैसे स्पेशल कंपनी वर्क, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टिगेशन, कॉस्ट अकाउंटेंसी, डायरेक्टरशिप ले सकते हैं, कंपनी के सेक्रेटरियल वर्क कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे सकते हैं और भी बहुत कुछ। अब हम बारी बारी देखते हैं इन फील्ड में सीए क्या काम करता है। फर्स्ट हम देखेंगे अकाउंटिंग में सीए का काम क्या रहता है। सीए इनमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर छोटी बड़ी कंपनी को बनानी ही पड़ती है, और उन्हें कुछ फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं। अब देखते हैं टैक्सेशन में क्या काम रहता है। जैसे कि आपको पता ही है, टैक्स दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आती है, तो इनमें रिपोर्ट फाइलिंग करना होता है, और अगर क्लाइंट पर कोई टैक्सेशन की केस होती है तो उन्हें रिप्रेजेंट भी करते हैं। और जीएसटी में भी सेम यही काम सीए कर सकते हैं, यानी रिपोर्ट बनाना, ऑडिट करना और क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के सामने। अब है ऑडिट में क्या रहता है। दोस्तों, आप लोगों को कुछ ही ऑडिट का नाम पता होगा, पर असल में 12-13 तरीके की ऑडिट रहती है, जैसे इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इनका नाम तो आपको पता ही होगा, उसके अलावा मैनेजमेंट ऑडिट भी होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, बैंक ऑडिट, सॉक्स ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, बाकी आप स्क्रीन से देख सकते हैं। दोस्तों, असल में ऑडिट होता क्या है। देखिए, ऑडिट का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी कंपनी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, वो होता है ना मूवी का डायलॉग, पर्दाफाश कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीए को सिर्फ ऑडिट करके ट्रू एंड फेयर व्यू बताना होता है, बाकी मैनेजमेंट और गवर्नमेंट करती है जो उन्हें लीगल एक्शन लेना होता है। अब है स्पेशल कंपनीज वर्क में सी के पास क्या काम रहता है। उसमें कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, आरओसी माने एमसीए में सारी एनुअल रिटर्न्स बनाना, जैसे AOC-4, MGT-7, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिखाना और लिक्विडेशन दिखाना, इस तरह की काम रहती है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, यानी बैंक्रप्सी रिलेटेड काम करते हैं। इसके लिए अलग से आपको एग्जाम देनी होती है और उसमें 10 साल की एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और जो सीए होते हैं उनको ही सिर्फ अलाउ होता है। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या काम रहता है। इन्वेस्टिगेशन यानी सीए कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उसके अलावा कोई न्यू शेयर इशू हो रही है तो उस इशू रिलेटेड जितने भी काम होती है वो सब सीए को देखना होता है, और बिजनेस में कोई सेल परचेस या फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस, रिकंस्ट्रक्शन, एमलगेमेशन, इन सभी में सीए अपना नजर बनाए रखते हैं, और अल्टीमेट काम तो सीए का ही रहता है। दोस्तों, इसमें मुझे एक डायलॉग याद आ रही है, अगर पुलिस अपनी ड्यूटी सही से निभाए तो मंदिर के सामने से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता। सेम उसी तरह सीए अपना काम सही से करे तो इंडिया में एक भी फ्रॉड काम हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये डायलॉग कौन सी मूवी की है कॉमेंट में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी। दोस्तों, कुछ लोगों को ये भरम रहता है कि कॉस्ट रिलेटेड जितनी भी काम होती है वो सिर्फ सीए में ही कर सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सीए में सिर्फ कॉस्ट ऑडिट की राइट्स रखती है, बाकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में कितनी खर्च आएगा वो तो सीए भी बता सकता है सीएमए की तरह। बेशक सीएमए ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, फिर भी सीए भी बता सकता है, तभी तो सीए स्टूडेंट्स को कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। अगला है डायरेक्टरशिप। दोस्तों, सीए सिर्फ कंपनी के लिए काम ही नहीं कर सकता, वो कंपनी को चला भी सकता है डायरेक्टर बनके, क्योंकि उनके पास कंपनी को चलाने के लिए जितनी भी नॉलेज है, जैसे टैक्स, ऑडिट, कॉस्ट, वो उनके सिलेबस पे रहता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी में सीए डायरेक्टर होते हैं, ताकि कंपनी फ्लुएंटली चल सके। नेक्स्ट जो काम है वो है सेक्रेटरियल वर्क। दोस्तों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में, खास करके छोटी कंपनीज में, सेक्रेटरियल वर्क कर सकते हैं। सिर्फ सेक्रेटरियल ऑडिट को छोड़ के बाकी एडवाइस तो दे ही सकते हैं,
उसके अलावा AOC4 जो होती है, MGT7 या कंपनी इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड जितनी भी वर्क है वो सीए भी कर सकता है। हालांकि सीएस अच्छे से करेंगे ज्यादा, पर उसमें साइनिंग अथॉरिटी सीए का भी रहता है। अब ये मैनेजमेंट में क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैनेजमेंट संभालने में भी कैपेबल होते हैं, इसलिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। दोस्तों अब फाइनली देखेंगे एक एवरेज टिपिकल सीए के ऑफिस में क्या क्या काम रहता है। ये हम लास्ट में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो एंड तक इस वीडियो में बने हैं उन्हीं को ही सिर्फ पता चले। एक एवरेज प्रैक्टिसिंग सीए फर्म में TDS की काम होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फॉर एग्जांपल किसी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सीए में डेटा बनाते हैं, यानी अगर आपको लोन लेना है तो सीए सर्टिफिकेट देना होता है उसको कहते हैं। उसके बाद कंसल्टेंसी दे सकते हैं GST, इनकम टैक्स एक्सेट्रा में, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप विदेश से इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं तो 15CA CB की कंप्लायंसेस सीए को ही कंप्लीट करके देना होता है, और ऑडिट तो हर फार्म में किया ही जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको पता लग गया होगा कि सीए के पास क्या क्या काम रिजर्व रहती है और कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।